এটা কত ছিল 1 কিলো 70 70 এ কোথায় তো আর এটা ভিন্ডি 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 210 210 কিলো রে করলা কত দিছো 30 টাকা কিলো 30 টাকা কিলো হ্যাঁ 40 টাকা না 30 টাকা দাদা আমি নিচ্ছি আমি নিচ্ছি পটল কত দিছো পটল পটল হ্যাঁ পটল 515 টাকা দিয়ে দাও কিনে লঙ্কা না লঙ্কা ঝাল হবে কত রে পেঁয়াজ কত আচ্ছা নেই আচ্ছা নেবি আড়াইশো পনেরো টাকা মানে তোমার লঙ্কা লঙ্কা লঙ্কাটা ঝাল হবে কত গো লঙ্কা ঝাল হবে আদা কত কিলো লঙ্কা দামি লাগবে আড়াইশো করে দাও পটল নিলাম তো ষাট টাকা কিলো
सो ये विलेज का जो मार्केट होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे देख लीजिए कि जो वेजिटेबल है वो कितना महंगा होता है। महंगा कुछ चीज़ जो है काफ़ी महंगा है, कुछ चीज़ काफ़ी या सस्ता भी है। तो अगर आपको अगर थैला भरना है, जैसे अगर आप बैग लेके आते हैं अगर उसको भरना है तो मिनिमम 300-400-500 रुपये लाना चाहिए, तभी आपको थैला भर सकते हैं। अदरवाइज से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको 2-3 किलो अगर पोटैटो चाहिए और अनियन चाहिए, कुछ और वेजिटेबल चाहिए, तो आपको तो मिनिमम 400-500 रुपये लाना पड़ेगा। तो एक यू नो, अगर मैं गरीब लोगों की बात करूँ तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 40 रुपये किलो कोई भी चीज़ अगर खरीदे तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैक्सिमम मिनिमम एवरेज जो है यहाँ का जो भी वेजिटेबल है, एवरेज 40 रुपये किलो मिलता है यहाँ पर। तो इट्स नॉट सो यू नो चीप, मैं यहाँ पर इतना सस्ता नहीं है, तो काफ़ी महंगा ही लगता है। और मैं एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ काफ़ी सस्ता है और मैक्सिमम चीज़ जो है वो महंगा ही ज़्यादा है यहाँ पर अभी तक। तो जैसे टोमेटो की बात करूँ, 3 महीने से कंटिन्यू यहाँ पर 80 रुपये किलो चल रहा। आप सोच सकते 80 रुपये किलो, मतलब एक गाँव के अंदर, एक विलेज के अंदर 80 रुपये किलो टोमेटो चल रहा, जहाँ पर कोई भी सिटी में नहीं है। तो दोस्तों यही है, तो और कुछ दिखा दो आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ आपको अपडेट करके देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।